मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से यहाँ पर एक एहतजाजी धरना रखा गया है, जो चेन स्ट्राइक जिसे कहते हैं उसमें आज हम शरीक हुए हैं। और मैं तमाम शहर के नौजवान बुज़ुर्गों से अपील करना चाहूँगा कि वो आए और कुछ वक्त यहाँ पर दे। किस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बैठे हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की गई थी और तकरीबन 60 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर, तो पुलिस के ऊपर एक दबाव डालने के लिए, सरकार से सवाल करने के लिए कि अगर इस तरह का अगर चलता रहा मामला तो कायदा कानून उसूल कुछ ना कुछ जो है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो लोगों में बड़ी बेचैनी है, नाराज़गी है। और इसी कड़ी के अंदर हमने भी तय किया है कि हम 23 तारीख के दिन एक बड़ा मोर्चा लेकर जाएंगे, रैली लेकर जाएंगे मुंबई की तरफ। यहाँ पे जिन मुद्दों के लिए बैठा गया है वही मुद्दों को हम आगे लेकर जा रहे हैं। तो चारों तरफ से एक प्रेशर बना के सरकार से हम सवाल कर रहे हैं, पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये मांग के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। सही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आजाद बोल न्यूज। सही खबर सही लोगों के लिए।